न्यूज स्टेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। सलमान खुर्शीद ने G23 को खुली चिट्ठी लिखी है, निशाना साधा इस चिट्ठी के जरिए। सवाल किया है सलमान खुर्शीद ने कि क्या पाला बदलने की सोच रहे हैं G23 के नेता? जिस सीढ़ी से चढ़े उसी को गिराएंगे क्या? असंतुष्ट नेताओं को आत्ममंथन की जरूरत है, ये बात कही है सलमान खुर्शीद ने। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने चिट्ठी में लिखा है वो आपको बताते हैं। एक पार्टी में लोग अपनी अपनी बात समय समय पर रखते हैं, पार्टी के अंदर होती है बात, लेकिन जब किसी बाहर के साधारण या एक पब्लिक मंच पर कोई बात आ जाती है तो उस पर दिल में एक रिएक्शन होता है, एक प्रतिक्रिया होती है, तो उसको कर देते हैं। वो कर दिया, इसलिए कर दिया कि अब हर एक से रोज़ तो मुलाकात होती नहीं, तो अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से, अपने सम्मानित साथियों के साथ अगर बात नहीं हो पाती तो कम से कम एक संदेश पहुंच जाए। ऐसे ही है बस। हम इस चिंता में फंसे हैं कि जो इसी व्यवस्था में हम बहुत सफल होते थे, तो आज अगर सफलता हमसे कुछ दूर हुई है तो क्यों हुई है? कहीं हमारी तो नहीं कमी है? कहीं हम तो कमज़ोर नहीं पड़ गए हैं? क्या परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, वातावरण ऐसा हो गया है कि सब कुछ होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है? तो इस पे क्या करना है, इस पे सोचना है। तो मैंने सिर्फ यही कहा है कि आइए बैठें, सोचें, हम ये सोचें कि क्या कुछ हमने पाया है, क्या कुछ हमको आगे करना है। हम बैठकर सिर्फ इस चर्चा में ना अपने आप को घेर लें कि हमको कुछ और मिल सकता था, वो हमको मिल जाए तो कैसे मिल जाए, पार्टी को मिल जाए तो हमको मिल जाए।